Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Shobha. In today's video, I am going to show you how to do a simple blue eye makeup with step-by-step tutorial. And if you are new to my channel, please consider subscribing and also press that bell icon next to it so that you will never miss any of my videos. So chaliye video ko start karte hain. To aap log dekh sakte ho, maine abhi CTM kar liya hai. Sabse pehle main eye makeup karungi. To uske liye maine ye purple ka gold primer choose kiya. Apne eyelid pe isko thoda apply karungi. आई मेकअप मैं पहले इसलिए कर रही हूँ बिकॉज जो भी फॉलोआउट्स वगैरह हो उससे मेरे नीचे मैसी ना हो. आफ्टर डैट मैं ये फॉरएवर 52 का आई कंसीलर पैलेट ले रही हूँ. इसमें से मैं ऑरेंज शेड को पिक करूंगी बिकॉज ऑरेंज जो होता है ना वो आपके जो भी आपके फेस पे ब्लैकनेश हो या डार्क सर्कल वगैरह हो तो उसको कट आउट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है और काफ़ी ईजिली से वो उसको कवर भी कर देता है. आफ्टर डैट मैं ये फिटमी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. इसको भी मैं विद द हेल्प ऑफ ये जो मेरा फ्लैट ब्रश है स्मॉल ब्रश उसके हेल्प से अप्लाई करूँगी. आपके पास जो भी ब्रशेज हो आप उसको यूज़ कर सकते हो. ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एक ही ब्रश को पार्टिकुलर एक ही चीज़ों के लिए यूज़ करो. आप मल्टी यूज़ कर सकते हो. जैसे अगर आप कर सकते हो ब्रशेज का डिफरेंट यूज़ सो यू कैन यूज़ दिस. ऐसा कोई नहीं है पार्टिकुलर कि आपको एक ही ब्रश एक ही चीज़ के लिए यूज़ करना है. आफ्टर डैट मैं ये डैम वेट ब्यूटी ब्लेंडर है उसके हेल्प से इसको डैब डैब करके अच्छे से जो भी है ना उसको मिक्स कर लूंगी सो दैट कोई क्रीजिंग लाइंस ना हो. एंड आफ्टर डैट मैं विद द हेल्प ऑफ पाउडर ब्रश ये स्टेक वर्की का ट्रांसलूजन पाउडर है उससे जो मैंने बेस को अप्लाई किया है अच्छे से सेट कर लूंगी. बिकॉज अगर आप सेट नहीं करोगे तो क्या होगा आपके जो अगर रिंकल्स होंगे या लाइन्स होंगे जिसके भी फेस पे तो वो बिल्कुल उभर के दिखेगा. तो आपको फटाफट से उसको सेट कर लेना है. डैट मैं ये जैकलिन हिल का आई शेडो पैलेट ले रही हूँ एंड मैं आईज मेकअप जो आज का करने वाली हूँ इसी से करूँगी विद द हेल्प ऑफ फ्लैट एंगल क्रीजिंग ब्रश जो है जो कि पूना स्टोर का है उसके हेल्प से मैं पहले ये ट्रांजिशन कलर को पिक कर रही हूं. इसको मैं जो मेरे क्रीजिंग लाइन है ना उसके ऊपर थोड़ा सा अप्लाई करूंगी सो दैट एक ट्रांजिशन इफेक्ट आए जब मैं नीचे अपने आईलिड पे ब्लू कलर को अप्लाई करूं देन उस टाइम पे. एंड इसको आपको अच्छे से ब्लेंड करना है. उसके बाद मैं ये NYB का जो खोल पेंसिल है जो कि ब्लू कलर में है ये काफ़ी रीजनेबल वाला बोलते हैं ना कि खोल पेंसिल है तो अगर आप लोगों ने नहीं ट्राई किया तो डेफिनेटली आप लोग ट्राई कर सकते हैं. एंड आपको जब डिस्काउंट होगा ना एट दैट टाइम ये काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स में भी मिल जाएगा. तो विद द हेल्प ऑफ मैं इसको पहले लिड पे अप्लाई करूंगी. एंड गाइज मैं दोनों लिड पे एक साथ अप्लाई कर रही हूँ बट आप लोग क्या कीजिए जो भी बिगनर्स हो पहले एक लिड पे अप्लाई करें एंड उसको ब्लेंड करें फिर दूसरी लिड पे अप्लाई कीजिएगा फिर ब्लेंड कीजिएगा. अदरवाइज वो ड्राई हो जाएगा ना तो ब्लेंड करने में थोड़ा आपको मेहनत पड़ेगा. आई मेकअप जब भी आप करें तो ब्लेंडिंग बिल्कुल अच्छे से करें बिकॉज ब्लेंडिंग एक ऐसी चीज है ना अगर उसको आप अच्छे से करोगे तो आपका जो भी मेकअप आप करोगे फ्लॉलेस दिखेगा. मीन्स आपको कोई भी क्रीजिंग लाइन नहीं दिखना चाहिए मेकअप में. तो आप देख सकते हो मैं ये छोटा फ्लैट ब्रश के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. एंड यस ब्लेंडिंग में टाइम जरूर लगता है तो टाइम ले. एंड ये एक ब्लू कलर है उसी पैलेट में मैं उसको लेके उसके ऊपर पुट ऑन करूंगी एंड देखती हूँ कि मैं जो कलर चाह रही हूँ ब्लू का वो आता है या नहीं आता. अगर वो नहीं आएगा देन मैं फिर कोई और ब्लू कलर को पिक करूंगी. तो सबसे पहले मैं उसको ही थोड़ा थोड़ा सा लेके जो भी मैंने पेंसिल वाला अप्लाई किया था उसके ऊपर ही ये पाउडरी ब्लू शेडो है उसको अप्लाई कर रही हूँ. एंड ये फिर भी वैसा डार्क जो मैं ब्लू चाह रही हूँ वैसा कलर नहीं आ रहा है बिल्कुल पॉप अप होके. तो लेट्स मैं इसके आगे और कुछ ना कुछ अप्लाई करूँगी आप लोग वो देख लीजिएगा. एंड इसको आप अच्छे से ब्लेंड करें इनर वी से लेके आउटर वी तक एक शेप क्रिएट कर लें आप अच्छे से. एंड उस पर ही धीरे धीरे हल्के हाथों से आप इसको ब्लेंड करते हुए फुल आई लीड को आप कवर कर लीजिए. तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो बिल्कुल एक थोड़ा सा डार्क कलर तो आ रहा है बट वैसा नहीं आ रहा जैसा मुझे चाहिए. एंड आप लोग देखिए ये बिल्कुल मैंने लीड को कवर कर लिया है. एंड इसमें से मैं ये ब्लैक कलर को चूज करूंगी विद द हेल्प ऑफ सेम फ्लैट ब्रश. मैं इसको अपने आउटर वी पे अप्लाई करूंगी. देखती हूँ कोई कैसा आएगा बिकॉज मैंने जो आज ड्रेस कैरी किया है ब्लू एंड ब्लैक तो सोच रही हूँ थोड़ा उसके ही टच में करूंगी. अगर ये बेटर लगा तो मैं इसको इस पे रखने वाली हूँ और एल्स मैं क्या करूंगी दूसरा डार्क ब्लू कलर को लेके इसके ऊपर कवर कर लूंगी. तो सो मैं भी एक बिगनर हूँ एंड मैं भी अभी आई मेकअप ट्राई कर रही हूँ तो देखती हूँ कि ये कैसा आएगा. एंड विद द हेल्प ऑफ वही जो फ्लैट एंगल क्रीज ब्रश है उसके हेल्प से मेरे जो आउटर हार्श लाइन आप लोग को दिख रहे होंगे उसको मैं ब्लेंड करके बिल्कुल हल्का करूंगी सो दैट लाइंस दिखते हैं ना आई मेकअप में तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. तो आपको लाइंस कुछ भी नहीं करना है. तो मेरे जो डोम एरिया है आईज के उस पर मैं उसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी. एंड उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का ये फॉइल लूज बोल सकते हो आई शेडो पाउडर है उसको मैं लिड पे अप्लाई करूंगी बिकॉज उससे क्या होगा कि मेरे जो मैं इफेक्ट चाह रही हूँ ब्लू वाला वो बिल्कुल से. एंड मैं इसको वो जो ब्लैक मैंने अप्लाई किया था आउटर वी पे उसके ऊपर भी प्लेस कर दूंगी बिकॉज वो उतना ज़्यादा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा. तो मैं फुल्ली ब्लू कर लूंगी अपने आईज को. एंड आप देख सकते हो ये कलर कितना अच्छा पॉप अप होके आ रहा है. बहुत ही अच्छा ये वाला लूज पाउडर है स्विस ब्यूटी का. अगर आप लोगों ने नहीं ट्राई किया
तो आप लोग इसको जरूर ट्राई करें। एंड ब्राइडल वगैरह के लिए आप लोग इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हो। एंड इसमें काफी सारे शेड्स आते हैं, तो आप लोग अपने शेड्स जैसा भी आपको चाहिए, गोल्डन, ब्रोंज, सिल्वर, बहुत सारे कलर्स हैं, तो आप लोग वो चूज कर सकते हो। एंड आप देख सकते हो मैंने फुल्ली इसको कवर कर लिया लिड पे, काफी सुंदर ब्लू वाला कलर आ रहा है, आप लोग को भी दिख रहा होगा, बिल्कुल काफी अच्छा है। बट हाँ, बहुत ही हल्के हाथों से आराम आराम से आप इसको अप्लाई कीजिए, बिकॉज ये थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ आपका आई मेकअप पूरा मेहनत आपका बर्बाद हो जाना, तो थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा जरूर इसको करने के लिए। एंड आईज जो होता है, अगर आपके आईज के मेकअप अच्छे होंगे तो आपका बोलते ना एक अट्रैक्शन पॉइंट होता है फेस का, तो वो बहुत ही अच्छे से आएगा। एंड ये सब जो होता है ना हैवी आई मेकअप, आप कोई पार्टी वगैरह के लिए ही करते हो, तो स्पेशली मैं ये कर रही हूँ कि सो दैट बिगनर्स भी इसको इजिली कर सके। मैंने इसमें बहुत कम कलर यूज किए हैं सो दैट कोई भी ये वाला आई मेकअप बहुत आसानी से कर सके। एंड इसके क्रीजिंग लाइन को भी मैं रिमूव करके उसके बाद फिर मैं जो मेरे लोअर वाटर लाइन है उसका मेकअप स्टार्ट करूंगी, उसके पहले मैं फेस का पूरा मेकअप कर लूं। एंड आप देख सकते हो मैंने फेस का मेकअप कर लिया, आफ्टर दैट मैं इस शुगर का लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। एंड ये लाइनर काफी अच्छा है, बिकॉज मेरे साथ क्या होता है कि मैं कोई भी लाइनर अप्लाई करूं अगर उसमें केमिकल वगैरह होता है तो मेरे ना आई डक्ट से वाटर आने लग जाते हैं, तो इसके साथ वैसा नहीं है। एंड ये काफी अच्छा वाला ब्लैक है, अगर आपके पास कोई जेल लाइनर हो तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो, वो भी काफी इजिली अप्लाई हो जाता है। बहुत ज्यादा मोटा नहीं लाइनर अप्लाई करूंगी, पतली सी ही अप्लाई करूंगी थोड़ी सी विंग को निकालते हुए, बिकॉज क्या है कि आई का मेकअप भी बहुत ज्यादा बोल्ड है एंड अगर लाइनर भी आप बोल्ड रखोगे तो वो बिल्कुल बुरा सा लगना है, तो आप देख सकते हो बिल्कुल हल्के से मैंने विंग को निकाला है। एंड दोनों आईज पे मैं ऐसे ही अप्लाई कर लूंगी, उसके बाद मैं ये पर्पल का खोल पेंसिल या काजल पेंसिल आप बोल सकते हो उसको अपने लोअर वाटर लाइन पे अप्लाई करूंगी। एंड अभी आप देख सकते हो जब मैं इसको स्मज नहीं करूंगी ये कैसा दिख रहा है, तो आपको स्मज करना बहुत जरूरी है, तो मैं ये छोटा स्मजर ब्रश लेके जो मैंने अभी काजल पेंसिल अप्लाई किया उसको स्मज करूंगी, सो दैट वो काफी अच्छा दिखता है स्मज करने के बाद। आप लोग को डिफरेंस दिखेगा अभी कैसा दिख रहा था एंड स्मज करने के बाद ये कैसा दिख रहा है, तो स्मज करना बहुत जरूरी है, वो आपको एक अच्छा वाला इफेक्ट प्रोवाइड करता है, ऐसा नहीं लगेगा कि प्रोडक्ट रखा हुआ है। आप देख रहे हो कितना डिफरेंस है दोनों में, तो स्मज कीजिएगा जब भी आप लोअर वाटर लाइन पे लगाएंगे। उसके बाद मैंने जो अपर पे ये स्विस ब्यूटी का लूज पाउडर लिया था, मीन्स आई शेडो पैलेट, सेम वही वाला पाउडर लेके अपने लोअर लैश पे भी लगा रही हूँ लोअर वाटर लाइन के बाद, सो दैट एक ब्लू का ट्रांजिशन आए। आफ्टर दैट मैं यूरोप गर्ल का आई लैसेस अप्लाई करूंगी, मेरे को रिक्वेस्ट आया था कि मैं ऑनलाइन मीन्स बोल सकते हो ऑन कैमरा आई लैसेस अप्लाई करूं, तो चलिए मैं आज ट्राई करती हूँ एंड देखती हूँ होता है या नहीं होता है। जब भी आई लैसेस अप्लाई करे तो ग्लू को थोड़ा ड्राई होने दे एंड देखती हूँ। एक्चुअली मेरे साथ क्या होता है कि मैं जब भी लैसेस अप्लाई करती हूँ ना मुझे एक दो बार तो जरूर रिमूव करना पड़ता है, एक बार में कभी परफेक्टली वो बैठता ही नहीं है। एंड होपफुली आप देख सकते हो मैं भी बड़ा खुश हूँ कि आज पहली बार में ऑन कैमरा हो गया, विच इज़ वेरी गुड। बोलते ना ट्राई करते करते आप और भी ज़्यादा वो हो जाते हो, तो मैं रेगुलर ट्राई करती हूँ कि मेरे से ये अच्छा हो जाए, एक बार में सेट हो जाए। एंड आप देख सकते हो मैंने दोनों आईज पे लैसेस अप्लाई कर लिया, लैसेस अप्लाई करने के बाद आईज पे आपका एक अलग ही इफेक्ट आता है एंड काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। मैं आईज को क्लोज भी करके आप लोग को शो कर रही हूँ एंड आई होप आप लोग को ये वाला आई मेकअप सिंपल सा जो है पसंद आया होगा, ये कोई भी बिगिनर्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। एंड जिनको ये मेकअप पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को आई मेकअप कैसा लगा है। बहुत ही इजी है, बहुत आसान है, कोई भी इसको क्रिएट कर सकता है। वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लेके बहुत जल्द मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।